ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये किसानों का रैला है जो पूरी तरह ट्रैक्टरों पर सवार होकर के जींद के पास डाटा सिंह बॉर्डर पर उपस्थित है। दूसरी तरफ पुलिस मोर्चा संभाले हुए है और किसान इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वे हर हाल में हरियाणा में प्रवेश करेंगे और हरियाणा से दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि पुलिस हर 2 से 3 मिनट के बाद इन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लेकिन आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा ना तो किसानों की भीड़ कम हो रही है और न ही इनका उत्साह कम हो रहा है। ये हर हाल में दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। उधर पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले हुए हैं कि किसी भी तरह से किसानों को तितर बितर किया जाए। आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, चारों तरफ देखेंगे तो खेतों में भी किसान घुसे हुए हैं। ये यहाँ के लोकल किसान हैं जो खेतों में मोर्चा संभाले हुए हैं और इन किसानों का हर तरफ से समर्थन कर रहे हैं। जैसे ही आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है तो आसपास के किसान पानी की सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं ताकि आंखों पर से जो जलन हो रही है उसमें पानी के छींटे मारे जा सकें। उधर पुलिस लगातार एक के बाद एक आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। किसान चुपचाप शांति से खड़े हैं। उधर पुलिस का कहना है कि किसानों ने पथराव किया है जिससे उनके 3 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए हैं, उन्हें आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हम डाटा सिंह बॉर्डर के बिल्कुल मुहाने पर हैं, किसानों के बीच में हैं, जहाँ मीडिया को आने से मना कर दिया गया था, लेकिन हरी भूमि की टीम वहाँ तक पहुँची है जहाँ किसान खड़े हैं और सुरक्षा बलों से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। सुरक्षा बल मोर्चा संभाले हुए हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, वहीं से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसान शांतिपूर्वक आराम से खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद एक नारा लगाया जाता है, उस नारे के बाद पूरा किसानों में जोश आता है। जोश को देखते ही पुलिस आंसू गैस का प्रहार करती है, किसान शांत हो जाते हैं। हर 2 से 3 मिनट के बाद ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिल रही है। किसान पूरी तरह लामबंद है और एक ऐसा धीरे धीरे करके इनका रेला बढ़ता जा रहा है। कुछ ट्रैक्टरों को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। इनका कहना है कि ये हर हाल में आगे जाएंगे, चाहे पुलिस 2 किलोमीटर लंबा भी बॉर्डर क्यों ना बना दे, 2 किलोमीटर तक बैरिकेड्स क्यों ना लगा दे, हमें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। उधर प्रशासन का कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को हरियाणा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, हर हाल में इन्हें यही रोक करके रखा जाएगा। तो दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बनी हुई है, दोनों तरफ से तनाव की स्थिति है। किसानों की भीड़ को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि किसी भी समय हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं, हालात विकट हो सकते हैं। जिस तरह से सुरक्षा बल डटे हैं और सामने से किसान डटे हैं, कहना न होगा कि हालात खतरे से भरपूर है, खतरा बना हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से मोर्चा संभाल रखे रखा गया है।